फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद। और तुम क्या कह रहे? हाँ, तुम कुछ कह रहे थे वहां से आते हुए, क्या कह रहे थे? जगह है ये, जगह पूरी अभी पैक हो जाएगी। ये इट्स योर बॉय। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। काफी मेहनत कर रहे हैं, देखो उनकी अभी हालत देखो। ये भाई हाय कर रहे हैं, देखो नीचे से भाई हाय हेलो कर रहे हैं। भाई ये बड़े नाइस इंसान है। उनकी क्या कास्ट है भाई? आपने क्या कास्ट बताई थी अपनी? मतलब आप किस जात के हो भाई? बलोच। भाई बलोच, इनसे पूछते हैं कि ये क्या किया इन्होंने। आते साथ ये भाई लगे हुए थे, तो अभी मैं इनसे पूछता हूँ इनकी। अभी तो ये फिलहाल मजदूर काम कर रहे हैं, फिर मिस्त्री आएगा वो भी काम करेगा। वो क्या काम करेगा मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। वो वीडियो एंड तक लाजमी देखना, मजा आएगा इंशाल्लाह। और जो भी चैनल पे न्यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। जिंदाबाद। और तुम क्या कह रहे? हाँ, तुम कुछ कह रहे थे वहाँ से आते हुए, क्या कह रहे थे? अच्छा, आपका बलोचों का काम है ना करो। अच्छा, मेरी जिंदगी अभी पिछले हफ्ते से मजदूरों के साथ ही कट रही है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ इतवार से मैं भी तुम्हारी साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, क्या बोलते हो? मस्त प्लानिंग। वो तो भाई बोल रहे एग्री करो बस, वो डायरेक्शन है, सही है ना? और कितनी देर में क्या हो गया साहब, किताब क्लियर है अभी? सारे हो गए? वो रमजान भाई किधर है? रमजान नीचे है। वो जबरदस्त हो गया, इनकी हालत देखो, ये देखो भाई। पसीना ज्यादा है भाई जान, पसीना ज्यादा है। पसीना नहीं, गर्मी ज्यादा है। और भाई यार बड़ी मेहनत का काम है वैसे भाई, अगर मैं एक ब्लॉग चढ़ाऊं तो दूसरे ब्लॉग में मैं गिर जाऊं भाई, सीधी बात है यार। जबरदस्त हो गया भाई। क्या नाम है तुम दोनों के? दिलशाद बलोच और बलोच। निजामुद्दीन बलोच। ओ भाई, इसका नाम भी दिलशाद और क्या निजामुद्दीन बलोच। भाई नाम भी इस भाई का बड़ा एंटेक है और काम भी एंटेक है भाई। इसकी हालत देखो भाई, गर्मी में क्या हालत हो गई इसकी भाई, जबरदस्त यार। और ये हमारे दोनों भाई बलोच है। और अच्छा, तो गाइस जो काम होने वाला है, बेसिकली ये जगह देख सकते हो आप लोग, ये जो जगह है ये जगह पूरी अभी पैक हो जाएगी। ये घर काफ़ी पहले हमने बनाया, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, तो बीच में मसरूफियात थी तो उस वजह से काम को रोका हुआ था। तो आप ये देख सकते हो, ये पूरी दीवार देखो, ये देखो आप, ये छत बनी हुई है ना, ये सारा काम हमने पहले ही करवाया था, लेकिन उसका व्लॉग नहीं बनाया था मैंने। तो ये बेसिकली ये अभी पूरी पैक होगी, मिस्त्री आएगा तो वो फिर उसका भी काम आज ही स्टार्ट होगा। तो दिखाऊंगा कि ये बनने के बाद कैसा लगता है। ये दीवार पूरी पैक होगी और ठीक वहीं पे वो पीछे भी सेम ये दीवार खुली हुई है देखो आधी, तो ये भी पूरी पैक होगी। तो यहाँ टोटल 130 ब्लॉक्स लगे, 50 ये पड़े, 80 वो पड़े वो रहे। तो ये दोनों दीवारें आज पैक हो जाएगी। तो यहाँ का मतलब तकरीबन ये ओपन जो है ये बंद हो जाएगा, कि अभी काम स्टार्ट कर लिया है। अभी ऐसे ऐसे इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स बनेंगे इसके भी, मतलब जब काम होगा तो व्लॉग बनते रहेंगे। फिर आगे बहुत से काम होने, जैसे ये टेंकी देख रहे हो अभी यहाँ है ना, ये टूटेगी, ये फिर यहाँ से ऊपर छत पे शिफ्ट हो जाएगी। ये देखो भाई, हमारे भाई लेकर आ रहे हैं नजीमुद्दीन ना, कि ये नजीमुद्दीन भाई ने कहा था कि बोरी लेकर आ रहा हूँ मैं, बोरी भी ले आए भाई ये। तो अच्छा, तो निज़ाम भाई, ओ क्या यार तुम्हारा नाम थोड़ा हार्ड है, निज़ाम निज़ामुद्दीन भाई, तुम्हें पता है बाद में इधर क्या क्या काम होने, क्योंकि तुम तो हो गए नहीं, पर अगर गलती से तुम्हारे पास मेरा चैनल अगर आ गया YouTube का, तो ये भी टूटेगा, फिर वो भी मैं लगाऊंगा YouTube पर। रेती चढ़ा देंगे, गोला भी चढ़ा देंगे, मिस्त्री के चुनाई हो जाएगा। सब कुछ होने के बाद जो है ना, फिर जाहिर सी बात है यहाँ कमरे की दीवारें उठेगी, तो ये सब टूटेगा। तो तुम वो वीडियोस में तुम देख लेना, सही है, सही है। मैं सारी वीडियोस लगाऊंगा, लाजमी देखना। नहीं देखोगे मैं तुम्हारे, क्या किधर है तुम्हारा वो कश्मीर, मैं उधर आके तुम्हें पकड़ के वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें। ये बहुत अच्छे भाई हमारे यार, वो तो थक गए। क्या हो गया भाई? अरे अरे, स्टाइल चेक करो भाई का, बेहतरीन। भाई भैया टैंकी हम लोग तोड़ ले, हाँ ठीक है, वो तकरीबन हमें एक घंटा लगा इसको तोड़ने में। इतने से को? हाँ, अच्छा, इतने से वो लोग करते, थोड़ी छत भी तोड़ी। सही सही सही।
कल तक टूट जाएगी। हाँ और ये पूरा कंप्लीट कब होगा? ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा कल ही हो जाएगा। चलो यार ये तो बेहतरीन हो गया पर यार, जबरदस्त हो गया। तो गाइज ये अमित भाई है हमारे शुगर का। सो है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज आज होम रिनोवेशन दोबारा से स्टार्ट हो गई है। बीच में काम हमने रोक दिया था तो क्योंकि मसरूफियात इतनी हो गई थी तो काम रोकना पड़ा था। तो अभी होम रिनोवेशन दोबारा स्टार्ट हो गई है। अभी मैं अभी उठा हूँ, यकीन जानो आज संडे का दिन है, कोई सुबह के 12:30 हो रहे हैं और आपका भाई अभी उठी नींद से उठाया तो आवाज़ आ रही थी भाई ऊपर कुछ चीज़ें तोड़ने की या शायद कुछ ऐसा ही। तो अभी आपका भाई उठा है, अभी जाके देखते हैं कि ऊपर क्या क्या हुआ है और आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करेगा। और जो पिछले काम करने की भी वीडियो, वो आपको मैं पीछे वीडियो लगा दिया हूँ, वो भी शायद आपने देख ली होगी। चैनल पे न्यू हो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अभी मैं सीधा चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ऊपर फ्लोर पे क्या काम हुआ है, कितना हुआ है, सब आपको दिखाता हूँ। चलो चलते हैं ऊपर। और एक तरफ रूम की दीवार खड़ी हो रही है और सुलेम की तरफ एक दीवार खड़ी हो रही है। तो अगला कुछ बता रहा हूँ मैं साथ के काम करने का तैयार है भाई। ये भी ब्लॉक पड़े हैं, वो भी ब्लॉक पड़े हैं, वो मिट्टी पड़ी है, सब काम भी आज होंगे। ये तरफ कुछ नहीं, थोड़े बहुत ब्लॉक पड़े हैं और कूलर रखने के लिए कैसा दीवार रखना है। दबा था पाकिस्तानी का दीवार में एक्सपर्ट है। तीन ब्लॉक की दीवार खड़ी थी आधी, तीन चार ब्लॉक की दीवार खड़ी थी और दो अभी खड़ी की हैं और ये वाली पूरी अभी खड़ी की है। और क्योंकि मैं कल रिकॉर्ड नहीं कर सका, रात हो गई थी तो अंधेरा हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ देखो यहाँ भी ब्लॉक पड़े हैं, ये हमारी छत है, मिट्टी मिट्टी पड़ी है, सारा सामान पड़ा है यहाँ पे, पाइप शाइप। अब ये देखो ये कुछ यहाँ पे इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे लगी है, उससे पहले कैसे कहाँ थी, क्या एआई कैसे लगी वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सका। ये देखिए टंकी लगी है, ये हमारा सोलर का सारा सिस्टम लगा हुआ है और ये छत है हमारी, ये न्यू बनी है। पहले नीचे वाली छत थी, अब उधर फ्लोर बना दिया है छत डाल के। तो ये यहाँ भी सारा काम होगा। अभी देखो यहाँ भी ब्लॉक पड़े हैं ना, अभी कहूँगा छत भी अच्छी खासी बड़ी है लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं हुआ। अभी तो बस यहाँ सामान पड़ा है पुराना और छत का भी है सारा, और पीछे पोर्ट एरिया है सारा, ये पूरा पोर्ट एरिया है। वो पीछे आपको क्रेन्स वगैरह नज़र आ रही होगी, इधर सारा भी सिस्टम है हमने मतलब। और बस और तो कुछ नहीं है यहाँ पर दिखाने के लिए, अब जो काम कम्प्लीट हो जाएगा वो फिर आप लोगों को दिखाएँगे सीधा। सो गाइस अभी चलते हैं नीचे, नाश्ता वगैरह करते हैं। अभी मॉर्निंग हुई है, अभी मैंने बोला यार यूट्यूब के लिए भी कंटेंट अपलोड करूं, 2 वीक हो गए कोई वीडियो नहीं डाली, तो सोचा क्यों ना एक कंटेंट निकाल लिया जाए। क्योंकि मेरे पास पुरानी वीडियो भी है जो काम हो रहे थे तो उसके थोड़े बहुत क्लिप्स हैं मेरे पास, वो भी मैं लगा दूँगा इसी वीडियो में। और अगर आप लोगों को इसी तरह के मज़ीद ब्लॉग देखने हों तो मेरे चैनल JK ब्लॉग्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। चलते हैं अभी नाश्ता करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो चैनल पर न्यू हो लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रीति रिवायत पूरी कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। चलो मिलते हैं नाश्ता करते, चले आ जाओ मिल के नाश्ता करते, आ जाओ आ जाओ। अम्मी ये मैक्रोनी में से बनता कितनी देर में? 15 मिनट में बन जाता है। सही है यार, पर ये तो आप लोग भी थोड़ा घर शर के काम शाम किया करो, ऐसे ही वेले बैठे रहे तो बस मोबाइल उठाया यूट्यूब पे वीडियोस देखने शुरू कर दी, JK व्लॉग्स की वीडियो शुरू कर दी देखना। अभी देखो ये मैक्रोनी है, वो चाय गर्म हो रही है वो भी, और अभी पराठे हैं उसके साथ खाएंगे आप लोग, वो भी दिखाएंगे। और घर में काम शाम किया करो, साले वेले बैठ के JK व्लॉग्स के वीडियोस देखते रहते हो। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। काम भी किया करो थोड़े बहुत।
सर्दी का मौसम हो, गर्मा गर्म चाय, आए हाय हाय। चाय लवर्स भी बता सकते हैं कि गर्म गर्म चाय की बात ही क्या है। इस पे एवरीडे डालते हैं नहीं, लेकिन बड़ा मज़े का बना। एक बार चख के देखूँ, हो सकता है नया दिखाऊँ मैं आपको, क्योंकि मैंने आधा खाया और आधा अपने भाई को दे दिया, तो यही खा रहा हूँ अभी मैं फ़िलहाल। वही दिखा दूँगा आप लोग, यही दिखा दूँगा बस। It's your boy. Yeah, yeah. It's your boy.